डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कोहर और आप देख रहे हैं गूगीज़ वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे राइट साइड पे एक सब्सक्राइब ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होगा कि आप मेरी कोई भी वीडियोज़ मिस नहीं कर पाएंगे, इवन कि आप मेरे चैनल को याद भी रख सकेंगे। मेरी वीडियोज़ जितनी भी अपडेट होंगी वो आपके चैनल पर मेंशन होंगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कैसे हम अपने मोबाइल पे एडवर्टीजमेंट को रोक सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कोई गेम डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आपने देखा है कि एडवर्टीजमेंट आपके सामने शो होती है, जो समटाइम आपको इरीटेट करती है, या कुछ एप्लीकेशन पर एडवर्टीजमेंट कुछ ज़्यादा ही होती हैं जो कि आपको एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने पर भी मजबूर कर देती हैं। तो हम एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने काम को ठीक से कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखा दूँ। ये मैंने एप्लीकेशन ओपन की है, अभी मेरे पास इंटरनेट में वाईफाई चल रहा है। अभी देखिए, मैंने अभी एप्लीकेशन ओपन की है और साथ ही एडवर्टीज़मेंट आ गई। इस तरह एडवर्टीज़मेंट हमें इरीटेट करती है, तो हम अभी एप्लीकेशन इस्तेमाल भी नहीं की और एडवर्टीजमेंट हमारे सामने आ चुकी है। हम इसको क्लोज करेंगे ऊपर से। आप देख सकते हैं नीचे भी एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट है, वो भी चल रही है। जब तक मैं इसको एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा ये साथ में चलती रहेगी। तो इसको ब्लॉक करने का आसान तरीका है, ये तो एप्लीकेशन के अंदर एडवर्टीजमेंट होगी। अभी आपको गेम में दिखा देता हूँ, ये मैं वापस गया तब भी आपको एडवर्टीजमेंट शो हुई है। कि मैं आपको एक और गेम दिखाता हूँ जो मैं प्ले करता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट शो होगी। आप देख सकते हैं, ये देखें एडवर्टीजमेंट आ गई है। तो ये एडवर्टीजमेंट हमें इरिटेट करती है। ये देखिए, जब मैं इसको यहाँ पे ओपन की प्ले किया है, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे शो हो रही है। तो हम इसको बग़ैर एडवर्टीजमेंट को किए भी हम गेम खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ये देखिए एडवर्टीजमेंट है हर जगह, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट। जी हाँ, हम बाहर जाना चाहेंगे। यस, क्लोज, कैंसल। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने एक तरीका है, जो फार्मूला है इस पे यूज़ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग भी इस फार्मूला से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये एडवर्टीजमेंट तब तक वर्क करती हैं जब तक आपका इंटरनेट चल रहा होता है। हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और साथ ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, अगर वो एप्लीकेशन इंटरनेट के बगैर भी चल सकती है, तो आप उसको डाउनलोड करके जस्ट अपनी इंटरनेट को क्लोज कर लें। ये देखिए, मैंने इंटरनेट को क्लोज किया, अब मेरे पास कनेक्टिविटी इंटरनेट में कोई नहीं है, ना तो मेरा मोबाइल का डेटा इंटरनेट चल रहा है और ना ही वाईफाई चल रहा है, यानी कि अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं आपको दोबारा से वही एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ जिसे मैंने ओपन किया और साथ ही एडवर्टीजमेंट शो हुई थी। ये देखिए, यह है ऑडियो मिक्स स्टूडियो, इसको मैंने पहले इंटरनेट के साथ ओपन किया था, तो एडवर्टीजमेंट शो हुई थी यहाँ पे भी, इवन के साथ एक बड़ी एडवर्टीजमेंट शो हुई थी। देख लें आप, कोई एडवर्टीजमेंट शो नहीं हो रही क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। अगर इंटरनेट चल रहा होता तो वो इसको एक्सेस कर लेता। तो ये तरीका था। अब जाते हैं, क्या नाम उसका, अपनी गेम्स के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट शो नहीं हो रही, इवन कि जब मैंने इसको प्ले किया है तो यहाँ पे भी कोई एडवर्टीजमेंट शो नहीं हुई। मैं इसको इजीली जैसे मर्जी खेल सकता हूँ बगैर किसी इंटरनेट कनेक्शन के। जी हाँ, ये फार्मूला जस्ट उसी एप्लीकेशन पे वर्क करेगा जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत या इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत आसान तरीका था, इस तरीके से आप अपने काम को भी सर अंजाम दे सकते हैं और आपको एडवर्टीजमेंट डिस्टर्ब भी नहीं करेगी, तंग भी नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अभी मैं आपको इंटरनेट कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया है, जब मैंने दोबारा से एप्लीकेशन ओपन की है,
देख सकते हैं एप्लीकेशन को मैंने अभी ओपन किया है और ये एडवर्टीजमेंट शो हो गई है, देख लें। तो ये कितना आसान तरीका था। हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट की सूरत में दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या कमी है और क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।